बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख ने 2 नवंबर को अपना 59वां जन्मदिन मनाया था, जहां उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े कई राज खोले थे। वहीं अब किंग खान ने मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम में फैंस को बताया कि उन्होंने कैसे स्मोकिंग छोड़ी है। उनकी इस खबर से फैन बहुत खुश हुए। अब शाहरुख खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में शाहरुख ने कहा, एक अच्छी बात है, मैं अब स्मोकिंग नहीं करता दोस्तों। उन्होंने ये भी माना कि उन्हें लगा था कि सिगरेट छोड़ने के बाद उन्हें सांस फूलने की समस्या कम होगी, लेकिन वो अभी भी इस बदलाव के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि मुझे इतनी सांस फूलने की समस्या नहीं होगी, लेकिन अभी भी महसूस हो रही है। इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। शाहरुख खान ने 2011 में दिए गए इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें सिगरेट और कैफीन की लत लग गई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन 100 से अधिक सिगरेट पी जाता था, मैं खाना पानी भूल जाता था, मैं एक दिन में 30 कप ब्लैक कॉफी भी पीता था, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। साल 2017 की बात है, जब शाहरुख खान ने कहा था कि वो अपने बच्चों आर्यन, सुहाना और अब्राम के लिए स्मोकिंग और शराब पीना छोड़ना चाह रहे हैं। खैर, इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने फैंस को एक और खुशखबरी दी। उन्होंने अपने फैंस से वादा किया कि अभी वो अगले करीब 10 साल तक सभी को एंटरटेन करेंगे, यानी अभी उनका रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। तो शाहरुख की इस खबर को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए देखते रहें बॉलीवुड नाउ।